प्राचीन बात है कि एक ब्राह्मण व्यक्ति, वो क्या करता था, था तो अच्छा ब्राह्मण, कर्मकांडी था, सब कुछ था, परंतु दुष्टता वैश्या के साथ संयोग होने से उसने क्या किया, अपनी पत्नी को छोड़ दिया और इस वैश्या को रख लिया। तो वहां पर उसकी पत्नी ने उसे बहुत समझाया, परंतु फिर भी नहीं माना। तो धीरे धीरे क्या हुआ, जब उसके पास धन खत्म हो गया, धन खत्म हो गया, तो उसने पत्नी को देखा कि पत्नी भी मेरे दुराचार के कारण, वो भी दुराचारिणी बन गई। ये देख करके उसने पहले तो उसे डांटा कि तुम दुराचार करने लग गई है, अरे दुष्ट है। उसने कहा मैं भी दुष्ट बनी हूं तुम्हारे दुष्टता के कारण, जब तुम जब वैश्य रखा है। तब उसने कहा अच्छा 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 कोई बात नहीं, ऐसा करो तुम मुझसे छुपा कर नहीं, निर्डर होकर के वैश्या कर्म करो, लेकिन बस एक बात है, जो धन कमाओ वो मुझे दे दिया कर, मैं वैश्याओं को दूंगा और वैश्याएं मुझे तृप्त करेंगी, मेरे से भागेंगी नहीं दूर। इसी प्रकार से चलने लगा। बहुत दिन ऐसा चलता चला, बाद में वैश्यागामी बिंदु मर गया, वैश्य धन लेके चली। अब चंचुला भी अकेली रह गई। देखो ये शिव पुराण कैसे धर्म देता है, ये भी महिमा कोई बखान नहीं कर सकता है। महादेव की लीला, महादेव जी की लीला कौन कहे। चंचला एक दिन देखी कि गांव वाले गोकर्ण में तीर्थ यात्रा करने जा रहे हैं। सारे गांव वाले कई बार गाड़ी करके जाते हैं, तो उसने सोचा मैं भी चलती हूं। यद्यपि उसे कोई धर्म से मतलब नहीं था, सब जा रहे हैं तो बस मैं भी चलूं। चलो चली गई। जाने के बाद वहां पर उसने देखा शिव पुराण की एक कोई कथा कर रहा है, वो कोई सुनने वाली भी नहीं थी, जैसे कोई उसे इच्छा भी नहीं थी, श्रद्धा भी नहीं थी। जैसे चलते चलते कोई बैठ जाता है,
कुदरती प्रसंग चल रहा था कि पापियों की गति ये पाप करने वाले को ये नरक, वो तो चुप करके वहीं बैठ गई। सब श्रोता चले गए। वक्ता से उसने कहा, महाराज ये सारे पाप मैंने किए, ये सभी पाप मैंने किए, मैं तो मारी गई नरकों में, कैसे? देखो मेरा क्या होगा। उसने कहा, चंचुले ये श्री महापुराण श्रद्धा से जो सुनता है वो सारे पापों को धो डालता है। उसने कहा, मुझे सुनाइए फिर लोग तो वापस आ गए, वो वहीं पर रह गई। फिर से महापुराण की कथा हुई, पूरी कथा उसने सुनी। कथा के अंत में उसका शरीर भी छूट गया। यद्यपि श्रद्धा के साथ सुनी थी और शिवलोक से पार्षद आए, जीव को लेकर शिवलोक चले गए। सूत जी कहते हैं, ऋषियों वहां पर शिव जी की कृपा से और उसकी श्रद्धा की कृपा से, उसकी निष्ठा की कृपा से, उसके विश्वास के कृपा से चमचला के उस जीव को माता पार्वती की सखी तक बना दिया। भलो शिव शंकर भगवान की जय।